कोई भी घटना बगैर कारण के नहीं हो सकती। प्रकृति जब जब भी अपनी प्रतिकूलता पाती है, वो अपना बैलेंस बनाती है और मनुष्य को, हम संपूर्ण मानव जाति को सजग करने की कोशिश करती है और संकेत देती है कि आप प्रतिकूल न बनो। हम गलती से गलती कर बैठते हैं और अहम का शिकार होकर के और अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठते हैं। यही मेरी भूल है, क्योंकि दुनिया में इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन भौतिक संसाधनों के आगे भी प्रकृति है। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आप लोगों को अपनी रचना के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश देना चाहता हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरी रचना को जरूर समझेंगे और अपने कमेंट द्वारा, अपनी प्रतिक्रिया द्वारा हमें जरूर बताएंगे। आइए जानते हैं कैसे। बचानी अगर इस धरा के धरोहर, बचानी अगर इस धरा की धरोहर, ये प्यारे तुम्हें अब संभलना पड़ेगा, खुद की किए गलतियों पर यूं खुद ही, खुद के किए गलतियों पर यूं खुद ही आत्मावलोकन तो करना पड़ेगा। बचानी अगर इस धरा की धरोहर, यूं ही ऐसा संकट नहीं ऐसे आया, बरसों की काली है इस पर जो साया, प्रकृति ने दिया है संभलने का मौका, प्रकृति ने दिया है संभलने का मौका, वरना यूं मंजर आगे बढ़ा है। बचानी अगर इस धरा की धरोहर। देखिए, हम गलती से जरा से कुछ संसाधनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये भूल कर बैठते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। आज दुनिया की दशा देख सकते हैं कि संसाधन का उपयोग तभी तक सीमित है जब तक आप प्रकृति के साथ अनुकूलता बनाए रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। कितनी बड़ी भूल हम कर रहे हैं, भौतिक तरक्की से उड़ने लगे हैं, बना ली क्या ओछी से भौतिक संसाधन, बना ली थोड़ी सी क्या भौतिक संसाधन, डिलूजन है इसको हटाना पड़ेगा, ये भ्रम है इसे अब हटाना पड़ेगा। बचानी अगर इस धरा की धरोहर। देखिए, तरक्की करना, संसाधन को इकट्ठा करना, आगे बढ़ना, ये प्रकृति हमें कभी नहीं रोकती है, लेकिन ये कहती है कि मौज के आगे मौत को मत भूलना। हम इन संसाधनों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब प्रकृति की अनुकूलता बनाए रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तभी हम करेंगे तेरा ये साधन, आहार व्यवहार अनुकूल होगा, प्रकृति मिले जब प्रकृति मिलत है, प्रकृति
प्रकृति मिले जब प्रकृति मिला तू है, अनमेल से मेल ना हो सकेगा। बचानी अगर इस धरा की धरोहर, ये कोरोना रूपी संकेत प्रकृति हमें दी है, हमें संभलने का अवसर दी है। अगर हम अभी भी नहीं संभलते हैं, अभी भी अपनी मानवता रूपी कवच को हटा देते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति हमें नेस्तनाबूत कर देगी। तो आइए देखिए हम प्रकृति के साथ कैसे बैलेंस बना सकते हैं। कोरोना रूपी ये तो संकेत भर है, प्रकृति से न पंगा कभी कोई लेना। इदम नामम यही मूल जानो, इदम नामम यही मूल जानो। मैं डॉक्टर तिवारी कहूँ समझना पड़ेगा, बचानी अगर इस धरा की धरोहर, ये प्यारे तुम्हें अब समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम लोग इस संकट की घड़ी में एक सबक ले लें कि हमें आगे अब कैसे रहना है। कोई भी संसाधन कुछ भी काम नहीं आएगा अगर प्रकृति रूठ जाएगी, तो प्रकृति को रूठने नहीं देना है, हमें इसके नियम कानून को फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।